ਪਠਾ ਬਲ ਆਖਿਰ ਜੋੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। माशाल्लाह जी चूजे निकले हैं जी दो। सबसे पहले ये माशाल्लाह चेक करें, नए मेहमान आ गए हमारे पास। ये सवा लखिए के पोते हो गए जी, ठीक है। काला बच्चा, ये बच्चे चीने बनेंगे माशाल्लाह। अभी इनकी माँ यहाँ पे बैठी है, चूजे हमने निकलवाए हैं जिनको बेटर में। बड़े काले मुर्गे की पट्टी, ठीक है। ये माँ है, बच्चे वो हैं जी, वो आप देख लो। मादी को ले आए बाहर, बड़ी हैरान होकर चूजों को देख रही है। ट्राई ये है कि अगर मादी नीचे बैठा लेती है तो थोड़े दिन चले इसी के साथ, चल फिर ले। बड़े काले मुर्गे की ये पट्टी है, चेहरा इसका बड़ा खूबसूरत, लंबे चेहरे की, रंग बड़ा खूबसूरत। ये तो बड़ी हैरान परेशान हो रही है कि क्या चीज सामने आ गई है। मादी तो चूजों को छोड़ के चली गई है जी दूसरी साइड पे, ये साथ शामिल नहीं करेगी। एक हमारी वो छोटी मादी जो लुक लाइक मियां वाली है, ये बंद गद्दी की मादी, ये भी कूड़क है। अगेन इनका दोबारा क्लच लेंगे जी। अभी करते हैं चूजों को दाना पानी। ये देखिए माशाल्लाह, चूजों को छोटे छोटे टुकड़े करके डालते हैं। ये उम्मीद है जी खाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बारीक कचरा करना है ताकि ये आसानी के साथ उठा सकें। देखते हैं जी, ये देखें रोटी के टुकड़े गिरा रहे हैं। चूज़ा मुंह मारना शुरू हो गया है, जल्दी इनको खाने के पीने का तरीका आ जाएगा। ये आप देखें, एक चूज़ा जो है ये वैसे भी लेट निकला हुआ है, और जो है वो लेफ्ट साइड वाला काला वो बच्चा पहले से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब भाई का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे जी। चूजे हमारे पास दो निकले हैं जी, सवा लखिए के पट्ठे के। सेम वही पट्ठा जो कल वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया जी, जो हम प्लाट पे ले गए हैं जी, ठीक है। इसके साथ इसी की बहन लगाई थी, बाप अलहदा अलहदा, माँ सेम थी, बड़ी चीनी के या पट्ठी और पट्ठा था जिसके ये बच्चे निकले हैं। पहले दो, अभी तीन चार अंडे पड़े हुए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह वो बच्चे भी निकल आएंगे जी। तो आपको छत पे परिंदों का शौक करवाता हूँ, वैसे भी इनके दाने पानी का टाइम है, तो इनको दाना हम क्या खिला रहे हैं वो आपको दिखा ले लिया जी। चीज़ें एक दिन आप दोस्तों को नोट करवाई थी, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, गंदुम है, बाजरा है, मकई है, उसके बाद हमने सर्दी की वजह से मोठ भी इसमें डाले हैं, ठीक है। एक सोयाबीन, हाँ सोयाबीन भी इसमें डाला है। तो ये असल में जो मादियाँ अंडे उतार रही हूँ, यंग एज जो पठियाँ पट्ठे हों उनके लिए बड़ा बेस्ट है। आटे के अंदर थोड़ा सा पानी हम शामिल कर रहे हैं, ठीक है। और ये गीला सूखा टाइप का बना के, मतलब ना बहुत ज़्यादा नरम हो ना बहुत ज़्यादा ये सख्त हो, तो इस तरह करके एक पेड़ा सा बना लेते हैं और सारी मादियों को जो बांट के हम खिलाते हैं जी। मादियाँ हमारी वेट कर रही हैं, सेकेंड टाइम हो गया, प्लाट पर भी जाना है। ये आप देखिए पानी थोड़ा सा और डाल लेते हैं। आटा हमने तैयार कर लिया जी, ये पेड़ा बन गया, ना ही ज़्यादा नरम है ना ही ज़्यादा सख्त है। तो इसको क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के मुर्गियों को खिलाते हैं। ये ऐसी खुराक है बहुत ज़्यादा जो जल्दी हज़म हो जाती है, क्योंकि अगर सख्त दाना हो तो टाइम लगता है हज़म होते हुए। ये आटा है, ये ऑलरेडी चीज़ें ग्राइंड हो चुकी हैं, ये मादियाँ जब खाएंगी जल्दी हज़म करेंगी, जिसम को एनर्जी ज़्यादा पहुँचेगी और बड़ी स्पीड के साथ। तो मुर्गियाँ के हैं जो अंडों से रुकी हुई हैं या जो लेट कर रही हैं जी, जो डिले कर रही हैं, तो वो मुर्गियाँ भी जल्दी अंडे उतार देंगी। और यंग जो पठियाँ पट्ठे हैं ना जी, उनके लिए ये बड़ा बेस्ट है। तोड़ तोड़ के जी इनको गिरा रहे हैं, मुर्गियाँ खाई जा रही हैं। ये आप देखें आटा हमने डाल दिया जी। इस आटे के फ़ायदे मतलब आपको बताएं कि ये जल्दी हज़म होने वाला, क्योंकि ये मैंने पिछले सीज़न भी यही फार्मूला यूज़ किया था। बड़ी स्पीड के साथ मादियाँ जो है इसके लिए रेडी हुई थी। मुख्तलिफ़ किस्म का दाना है तो एनर्जी भी इससे पूरी होती है, जिसम में मुख्तलिफ़ तरह के जो विटामिन कैल्शियम्स की कमी होती है, ये उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो अभी नंबर है दूसरे परिंदों का, आपको शौक भी करवाता हूँ और उन्हें भी दाना पानी कर। ये आ गई जी चीना, चीना भी यही आटा खा रहा है। आप ब्रीडर मुर्गे को भी डाल सकते हैं, पट्ठों को भी, हर तरह के परिंदे, हत्ता के छोटे चूज़ों को भी ये डाला जा सकता है जी। चीने का भी पेट फिल हो गया जी। अब आ गई बारी कानी की, ये भी सवाल के मुर्गे की पट्ठी है। ये दूसरे परिंदों से छुप के अलग अलग बैठी रहती है, जब इसका दाह लगता है ये भी दाना पानी ज़रूर करने आ जाती है। चलो कानी का भी आपको शौक करवा दूँ, मैंने सोचा। बड़े ज़बरदस्त किस्म के दो पट्ठे बने थे जी इसके भाई, वो दोस्तों को आगे शेयर कर दिए। एक पट्ठा गुजरात चला गया, बड़ा म्यार वाला वो पट्ठा था। चले इसका भी तकरीबन पेट फिल हो गया। उसके बाद हम निकालते हैं जी ऊपर से बाजरी मादी। ये भी काने की पट्टी जो बीमार हुई थी, अब अलहमदुल्ला फिट है। बाजरी आ गई है जी, नई नई बीमारी से निकली है। इसको अब भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, दुम थोड़ी बहुत ये कुरीज कर गई हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है थोड़े दिन के अंदर ये भी एग्स के लिए रेडी हो जाएगी। दिल था मेरा कि ये जल्दी जल्दी क्लच उतारती, क्योंकि ये सारी बहनों से ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन किस्मत की बात है ये बीमार हो गई। अभी खैर पेट भर के खाना शुरू हो गई है, जल्दी इंशाल्लाह फिट हो जाएगी। पुराने मदारी वाले परों में ऐसी मादियाँ आती थी, पीले जाल वाली काली मादियाँ, मतलब ये नर परे रंग है। जिस तरह नरों के जाल होते हैं ना सेम, उसी तरह इस मादी का जाल है जी।
अभी नंबर आ गया जी चूजों का, जो सवाल के मुर्गे चूजे थे इनका भी दाना चेंज कर दिया। काफ़ी टाइम इन्होंने फीड खाई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनका दाना फीड से ख़त्म करके हम ले आए थे वो गंदुम और बाजरा। अभी आटा आ गया सेकंड टाइम इनका जो है ना अब आटे के ऊपर, तो नंबर आ गया जी इन चूजों का। ये आप चेक करें, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। एक पट्टी इनके साथ थी, उसको चोट लग गई जो मैंने लैदा बंद की हुई थी, टांग वो दबा रही है जी अपनी। ये माशाल्लाह आप चेक करें, फ्रंट पे चीनी पट्टी, बल्कि ये दोनों पट्टियाँ एक साथ ही हैं जी। ये माशाल्लाह आप चेक करें, बड़ी बड़ी हाइट्स के बन रहे हैं, चेहरे मोरे खूबसूरत लंबे और हाइट्स बड़ी। ये चीना मेल है, बेल बनकर इसकी बहुत ज़्यादा है जी, कमर की लेंथ बहुत ज़्यादा है। ये आप चेक करें, साथ में चीनी पट्टी। तैयब भाई का मुँह देख रहे हैं जी, जल्दी जल्दी इनको आटा शाटा डाला जाए क्योंकि भूख इन्हें लगी हुई है जी। सुबह से दाना पानी ने किया हुआ था और अभी सेकंड टाइम हो गया। इनके साथ जिसको थोड़ी चोट लगी है वो आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये टांग दबा रही है जी काफ़ी ज़्यादा, इसको अब ट्रीटमेंट कर रहे हैं। टांग है जी जिसपे चोट आई है, नली बड़ी खूबसूरत थी इसकी। ये भी अपनी दाने वाली जगह पर आ गया जी, ये आप देखें चूजे हमारे दाना पानी खा रहे हैं। आज क्या करना है, नोक चीर में को एक तो डिवर्मिंग करनी है, उसके लिए भी मेडिसिन लेके आया हूँ, शीशी निकाल के दिखाओ जरा तैयब भाई, और उसके बाद कोपैक्स पाउडर ये दिखाओ, ये देखें जी, क्योंकि जो नोक चीरवा हमारा पट्टा है उसको जी जवी काफ़ी ज़्यादा हो गई, जिसको जुएँ भी आप कह सकते हैं। ये सिरप लेके आए जिसका मैंने बताया था आपको, ये आज इसकी डिवर्मिंग भी हो जाएगी और इसके जिसम के ऊपर मतलब जो जवी वगैरह ना आज इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। एक तो निकालते हैं उसको बाहर और आपको करवाता हूँ शौक, अच्छा आपको दिखाता हूँ जी फिर नोक चीरवा पट्टा, ठीक है, निकाल के इसका शौक भी करवाते हैं और साथ इसी बहाने इसकी सफाई भी कर लेते हैं जी। ये देखें ये जवी भाग रही है जी, मैंने सोचा करीब से आपको दिखाता हूँ, ये आपको परों के अंदर नज़र आ रही होगी जी, आप देखें आपको नज़र आएगी। इस बेचारे को बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए काफ़ी दिन से ये बहुत ज़्यादा परेशान था जी। ये नमी के मौसम में अक्सर ये मसला बनता है। खैर एक मरतबा पाउडर मार लो फिर इस टॉपिक पे गपशप करते हैं जी। जी नोक चीरवा हमारा बिल्कुल अंग्रेज़ बन गया जी, पाउडर अच्छे तरीके से मार दिया। चीरवा अभी दो दिन के बाद पहचाना जाएगा असल में चीज़ क्या है जी, ठीक है। खैर इसी बहाने आप शौक कर ले, इसके कोशिश करते हैं खुडे के अंदर भी थोड़ा पाउडर छिड़का देते हैं जी। इधर उल्टा लेटा रहा है, अभी चलना फिरना भी भूल गया जी। जी दोस्तों पट्टे को पाउडर मैंने अच्छे तरीके से मार दिया जी, अभी आपको बताता हूँ जी। ये असल में नमी का जब मौसम होता है और जो परिंदे खुडों के अंदर रहें, मतलब वो 24 घंटे के दरमियान को 18 घंटे 20 घंटे खुडे के अंदर बंद रहते हैं, हम उनको नहीं निकालते या थोड़ी देर के लिए निकालते हैं, तो वहाँ पे खड़े खड़े जारी बात है खुडे के अंदर उन्हें बीठे वगैरह करनी होती है, गंदगी होती है। जब नमी का मौसम होता है तो कीड़ा पतंगा वैसे ही भरपूर हो जाता है, और ये होता है असल में पर चेंज करने वाला मौसम, कुरीज़ वाला मौसम। तो इस मौसम में लाजमी ये चीज़ें, ये जवी वगैरह जुएँ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ये हर किसी के साथ होता है, इसमें सिर्फ एहतियात की ज़रूरत है। कोपैक्स पाउडर आप रख लें, सबसे बेहतरीन चीज़ है। तरीकाकार ये है कि आप मुर्गे के पर गर्दन के जाल से पहले शुरू हों, खड़ा करके सीधा आप जाल से पाउडर डालना शुरू हों, कमर पे डालें, कमर से आगे दुम तक डालें, फिर इसको उल्टा लिटा दें, टांगें दोनों हाथों में पकड़ लें, उल्टा लिटाएँ गर्दन के, यहाँ से आप फिर दोबारा शुरू हो जाएँ और डालते डालते आप सीने पर आएँ, सीने से नीचे तय तक जाएँ, थाइज़ वगैरह हैं, अच्छे तरीके से पूरे परों के अंदर आपने पर उठाते जाना है, पाउडर गिराते जाना है, फौरी आपको रिजल्ट भी पता चलेगा। ये इतनी अच्छी चीज़ है कि जैसे ही पाउडर गिरता जाएगा जवी जो है वो बाग बाग बाहर आती जाएगी, बल्कि जिसको पाउडर टच हो जाएगा वो ख़त्म हो जाएगी जी, ज़ाया हो जाएगी। तो ये तरीका अगर आप लाजमी अपनाएं, और वैसे भी परिंदों को सर्दी हो या गर्मी हो आप जब हाथों में पकड़ते हैं परिंदा अपना चेक करते हैं देखते हैं, तो आप इस चीज़ का भी गौर कर लिया करें। अगर परिंदे को जवी वगैरह है तो उसको लाजमी कोपैक्स पाउडर मारें, खुडों के अंदर जो है वो कोपैक्स पाउडर आप छिड़का दें, चूना मिल जाता है कली जिस तरह दीवारों के ऊपर करते हैं, वो चूना आप पाउडर करके वो अच्छे तरीके से खुडे के अंदर छिड़का भी सकते हैं, उसके साथ आप जिस तरह पेंट करते हैं ना खुडों के अंदर आप लगा भी सकते हैं जी, ठीक है। तो ये एहतियात जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। असल में परिंदों को डेली टाइम देना बड़ा ज़रूरी होता है, जिस तरह ये देखिए अब मैंने बारी बारी निकाले हैं परिंदे, ये पट्टियाँ पट्टे खा के बैठ के हुए थे, अभी ये खुला भी इन्होंने घूम लिया, थोड़े पाँव भी खोल लिए और इनको इनका दिल कर रहा है जी मट्टी खेलने को, तो ये जो वर्जिश कर रहे हैं थोड़ी देर मट्टी के अंदर पाँव मार रहे हैं, ये असल में इनको फिट रखने का एक समझ लें कि जरिया है जी, एक बहाना है। ये माशाल्लाह आप चेक करें जी, चलें नोक चीरवा तो आ गया जी मट्टी खेलने, पाउडर भरपूर लगा हुआ है जहाँ पे मट्टी खेल रहा है, उम्मीद है अब इस मट्टी में जो नेक्स्ट परिंदा खेलेगा उसको भी फ़ायदा होगा। खैर कोशिश करते हैं तैयब भाई, जहाँ पे ये खेल रहा है ना जी वहाँ पे थोड़ा सा पाउडर हम छिड़का देते हैं जी, चले ये खेल ले उसके बाद छिड़काते हैं। अब ये खुडे के अंदर आप देख रहे हैं मैंने अच्छे तरीके से पाउडर छिड़का दिया, कल इस चीज़ का नंबर प्रिंस का भी आना है जी, प्रिंस का आपको शौक भी करवाते हैं और कल इंशाल्लाह इसको निकालेंगे बाहर धूप के टाइम पे, इसको पाउडर अच्छे तरीके से मार के इसको भी थोड़ी देर के लिए बाहर खुला छोड़ें। असलियाँ चेक करें जी प्रिंस की आप, माशाल्लाह कुरीज इसकी काफ़ी हद तक कम्प्लीट हो चुकी है। इस पट्ठे को बाहर छोड़ दें जी, प्रिंस का ही पट्ठा है, तो ये भैया इसको निकालो यार बाहर,
इसको खुला छोड़ दो, इसको दाना पानी बाहर करते हैं। देन जी ये भी आ गया वापसी, गुब्बारे जितनी इसने पोर्ट कर ली है, जितनी अपनी सेहत उतनी पोर्ट। लेकिन ये इंशाल्लाह पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर जा रहा है, उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी फिट हो जाएगा जी। बलिया सलियाँ आप चेक करें इसकी, ये बेटा और बाप साथ साथ ही बंद हैं जी, ये आप देखें। अमूमन ऐसी ज़रूरत पड़ती है खुला छोड़ने की जहाँ पे परिंदे ज़्यादा हो, जिस तरह मेरे पास देखें ज़्यादा परिंदे हैं तो खुडों के अंदर बंद है, ठीक है, इस साइड पे भी खुडे हैं, ये भी सारे बंद हैं, तो जाहिर बात है इनको बारी बारी छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये तंग करते हैं। अब ब्रीडर बादियाँ फिलहाल बंद की हैं, जो टाइम है इनको बाहर छोड़ा, शाम का टाइम होता है, अमूमन मुर्गे क्रॉस होते हैं, तो शाम क्या करेंगे इनको बंद करके मजीद आधे घंटे तक, फिर वो जो ब्रीडर हमारा चीना पट्टा है उसको बाहर निकालेंगे, उसके साथ जो मादियाँ हमने छोड़ी हैं जी उनको बाहर निकालेंगे, ठीक है जी। तो इनके बाद उन्हीं का नंबर है जी, उनको निकालते हैं, देखते हैं अल्लाह करे कि चीना क्रॉस हो मादियों के साथ, क्योंकि मादियाँ रेडी आ गया जी। इन ब्रीडर पेयर्स का नंबर, इनको पहले खिला दिया था, अभी दोबारा निकाला जी बाहर, ताकि शाम का टाइम है अगर किसी परिंदे ने जोड़े होना है तो वो हो जाए। असल में कल से ला के छोड़ा जी छत पे, एक दो दिन में उम्मीद है जी पट्ठा क्रॉस करना शुरू कर देगा, क्योंकि एक दो दिन चाहिए होते हैं इधर आपस में घुलने मिलने के लिए। ले जी चीना पट्ठा बिलाखिर जोड़े हो गया जी, चले अल्लाह खैर कर इसकी भी ब्रीड आनी शुरू हो जाएगी अब इंशाल्लाह। इसके भाई के वो बच्चे दो निकल आए हैं, इसी वीडियो में आपको दिखाए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है जी ये पट्ठा भी हमें ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स देगा, मादियाँ साथ में बड़ी अच्छी हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेके आ जाता हूँ, मुझे इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।